अजय आलोक साहब, कई सारी बातें उन्होंने कही। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जहां सिविल लाइंस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहां रहते रहते उन्होंने अपने लिए महल बना लिया, किसी को हवा भी नहीं लगी, कोरोना का पीरियड चल रहा था, बाकी सबके लिए बंदिशें थी, अरविंद केजरीवाल जी का महल बन रहा था। उन्होंने कहा कि वहां पर ईंट भी नहीं लगा सकते, उन्होंने अपने लिए मकान बना लिया। मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से परमिशन लेनी थी, नहीं ली, वहां वो पेड़ उखाड़ दिए उन्होंने, उसका भी उल्लंघन का उन्होंने मामला बताया है। अपने बंगले में दूसरे बंगले अफसरों के फ्लैट्स वो भी मिला लिए, ये भी उल्लंघन है। सारी बातें चलें ठीक, लेकिन उन्होंने आज जो शब्द इस्तेमाल किया घोटाला, कि ये जो 45 करोड़ रुपए का ई ओपन टेंडर नहीं निकला, इसमें घोटाला है, ये आरोप बड़ा साफ है, ये करप्शन का मामला है, आपकी नजर में सीधा सीधा ये कैसे साबित होगा? देखिए सरम जी, किसी किसी आदमी की एक्सपर्टीज होती है। अब जैसे मैं डॉक्टर हूं तो थोड़ा बहुत डॉक्टरी भी आती है, एक्सपर्टीज है। आप एंकर हैं, आपको सवाल पूछने की एक्सपर्टीज है। तो केजरीवाल तो खैर बहुत पढ़े लिखे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे, सुपर शिक्षित, IITN, उसके बाद IRS ऑफिसर, तो उनको भी बहुत एक्सपर्टीज हासिल है कि कैसे सब काम करना है और कैसे अपना नाम भी नहीं लाना है, बिना जिम्मेदारियों के अपना सारा काम कैसे कर लेना है, इस चीज की एक्सपर्टीज है केजरीवाल में। 21 में जब कोरोना चल रहा था, कोरोना काल 2021 में, और आज, हाँ बाय द वे, मीनाक्षी आरोप लेखी जी ने आरोप नहीं लगाए हैं, ये वो तथ्य हैं जो सबूतों के साथ हैं, और इसीलिए LG साहब ने इसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिए हैं मुख्य सचिव को, और जैसे ही आदेश दिए गए तब अभी जो वन मंत्री महोदया हैं वो कहती हैं कि रूल बुक का फ्लाउट किया जा रहा है, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में। रूल बुक्स को पहला बार फ्लाउट तब किया गया जब 45 करोड़ का आपने मकान बनवाया और 9,99,000 रुपए बिल सैंक्शन करवाते हैं ताकि LG से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़े। उस मकान का ऑडिट कहां, कौन करेगा? इस 45 करोड़ का ऑडिट कैसे होगा? ये क्यों ना माना जाए कि अभी 10 करोड़ का ही मकान नहीं होगा, इसको 45 करोड़ का दिखाया गया, 35 करोड़ फिर कहां गया? तो घोटाला ये कैसे नहीं है, लेकिन इसको दबाने की एक्सपर्टीज का नाम है केजरीवाल। इतने वॉल हैं इस आदमी के आगे पीछे कि हर चीज को दबा के एक्सपर्टीज कर लेते हैं। नहीं, और उसके आपने, कहेंगे देखो जी, आपने अज्यूम कर लिया है कि ये घोटाला है, आप मान, और आपने मान लिया है कि भाई ये 45 करोड़ में नहीं बन सकता है, पैसा खाया किसी ने। एक मिनट, हम मान नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ऑडिट क्यों नहीं हुई, हम तो कह रहे हैं कि 45 करोड़ का क्या आप 145 करोड़ का बनाते हैं, आप ओपन ई टेंडर आपने क्यों नहीं किया, पारदर्शिता आपने क्यों नहीं रखी, ये सरकार का पैसा, कोई केजरीवाल का पैसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।